तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली आज हम आ गए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच देखने के लिए, जो कि थर्ड ओडीआई इंदौर में होना है। तो आप माहौल देखिए पीछे का, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है और लगभग पूरा स्टेडियम फुल होगा। ये टिकट से हमारे पास और जाते हैं, एंट्री करते हैं। और अभी तो टाइम हो गया है 12:30 और 1:30 बजे से मैच शुरू होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू हो गए। एक गेट है नरेंद्र हिरवानी करके, हमारा जो गेट है वो है सतीश मल्होत्रा करके, तो जो आगे है। माहौल बहुत तगड़ा, चेकिंग बहुत तगड़ी चल रही है। चलो स्टेडियम में चलते हैं सीधा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्री का जो एक गेट नरेंद्र हिरवानी गेट है वो यहाँ से एंट्री हो रही है और धीरे धीरे यहाँ पे एंट्री होती जा रही है, एंट्री चालू हो गई। और जो दूसरा गेट है वो है सतीश मल्होत्रा गेट, जो कि आगे है। तो गाइस यहाँ पर हो रही है चेकिंग। ये भैया टिकट, सो गाइस सतीश मल्होत्रा गेट आ गया और यहाँ पर एंट्री चालू हो गई है। चलो भैया एंटर करते हैं फटाफट, नेक्स्ट लेवल चेकिंग हो रही है। सो गाइस स्टेडियम में एंट्री हम मार चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेडियम का नजारा और यहाँ पर चेकिंग चल रही है और यहाँ से एंट्री लेते हैं। गेट सी है हमारा। चलो तो भाई यहाँ से एंट्री मारते हैं मस्त तरीके से। ये लो भैया एक बार और चेक कर लो। चलो भाई यहाँ से एंट्री यहाँ चालू, गेट सी 1 से 450 और हमारा है 176 नंबर। ये है गेट सी। चलो भाई। तो जीवन भैया हाउ आर यू। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेडियम में हम गाइस पहुंच चुके हैं और ये स्टेडियम का माहौल। गाइस कोहली हमें दिख गया, अब हम जा रहे हैं कोहली भाई के पास। चलो भाई वो है कोहली, प्रैक्टिस तो कर रहा है कोहली भाई। ये कोहली के प्रैक्टिस शॉट पे भी यहाँ पे हूटिंग चल रही है। दिखाता हूँ कोहली भाई को जूम करके। ये देखिए गाइस ये जो दिख रहा है, ये कोहली भाई बहुत बढ़िया। तो गाइस देख सकते हैं कोहली भैया यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप भाई 8 घंटे तक एनर्जी कायम रखनी है ना। शुभमन गिल का 6 गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और नेक्स्ट बॉल टिकनर की सुमन के स्ट्राइक पर, देखते क्या होता है। और ये 4 रन के लिए लगता है। नहीं, लकी फर्गसन ने पकड़ लिया है, कोई रन नहीं। और यहाँ पर स्कोर हो चला है 4 ओवर की 3 गेम 24 रन। रोहित पर देखिए इंडिया की बैटिंग आई है, न्यूजीलैंड वॉन द टॉस एंड चूज टू बॉल। क्या बात है, मजा जाएगा। ये कैच करो, हमें कैच करो। मजा आ रहा है, इंडिया की बैटिंग आ गई है। बचा बस, रेडी होने वाला है और यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है मैच। रोहित भाई पहली बॉल पर 6 चाहिए हमें। और टिकनर यहाँ पर, बॉलर टिकनर यहाँ पर रेडी हो गए हैं बॉलिंग के लिए। रोहित शर्मा पहली बॉल फेस करने के लिए रेडी है और यहाँ पर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड, देखते क्या होता। और यहाँ पर पहली बॉल के लिए रेडी, ये बॉलर यहाँ पर भागा। और ये पहली बॉल, और यहाँ पर वाइड, पहली बॉल वाइड 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 वाइड, बढ़िया बढ़िया। तो गाइस यहाँ पर 10 ओवर में हो गए हैं 82 रन। निकोलस सीयर, मजा आ रहा है मैच में। निकोलस पूरन खड़े हुए यहीं पर और देखते क्या होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं, पावर प्ले समाप्त हो गया, फील्डर दूर दूर आ गए। निकोलस तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर हो गया है 24 ओवर में 199 रन। दोनों खिलाड़ी 95 पर खेल रहे हैं और 25 ओवर 205 रन, 99 रन पर अपना रोहित शर्मा और 98 पर सुमन गिल। सही है भाई, ये इस कैमरे को देखो यार, ये हैंडी कैम वाले 99 रोहित शर्मा। और टिकनर यहाँ पर आते हुए बॉलिंग के लिए, रोहित शर्मा काफी टाइम बाद रोहित शर्मा की शतक देख सकते हैं आप। ये इंदौर में रोहित शर्मा का ये दूसरा शतक है, पहला T20 आई में मारा था और अभी यहाँ वनडे में भी मार दिया है। क्या बात है, माहौल देखिए स्टेडियम का, सब खुश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोहित
सब दर्शक खुश। चलो फाइनली अब दिल की शतक का इंतजार करते हैं। मारेगा दोस्तों, इंदौर में मैच हो रहा है तो मारेगा। चलो भाई इंदौर में भी मार दो यार, इंतजार तो यही है कि 200 मार देगा। और अभी 100 रन पर रोहित शर्मा खेल रहा है, 99 पर अपना शुभमन गिल। ये ग्लेन फिलिप्स हमारे सामने, शुभमन शुभमन गिल का शतक। दोनों खिलाड़ी के यहाँ पर 200 रन मार दिए दोनों खिलाड़ी, एक 101 और 100, क्या बात है। ये देखिए दोनों खिलाड़ी यहाँ पर शतक मार कर खेल रहे हैं, क्या बात है। इंदौर में चमका दोनों का बल्ला। यहाँ पर शुभमन गिल भी आउट हो गए हैं, कैच आउट, शतक मारकर बहुत बढ़िया खेले। और अब आएंगे हमारे सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन। सूर्या ही आएगा, ईशान किशन भी आ सकता है। तो गाइस यहाँ पर 50 ओवर हो गए कंप्लीट, 385 का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को, 9 विकेट हो गए और यहाँ पर इनिंग कंप्लीट। और काफ़ी मज़ा आया भाई पहली इनिंग देखने में, अब नेक्स्ट इनिंग का इंतजार करते हैं। मजा आ रहा है, क्या इनिंग की स्टार्ट हुई इंडिया के लिए, बहुत बढ़िया। फोर ठीक है यार, तुम्हारी बात तो और कोई सुन रहा है भाई। एक बार और, अरे विराज बोलो विराज, आज यहाँ पे देख सकते हैं 4 विकेट गिर गया है, 184 पर 4, 25 ओवर के 2 बॉल, मतलब टॉम लाथम भी आया 0 रन पर, क्या बात है। माहौल तगड़ा दिख रहा है भाई, अब तो 4 विकेट गिर गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो इंडिया के चांसेस ज्यादा हुआ है जीतने के। कुलदीप भाई बेस्ट स्पिनर ऑफ इंडिया, बिग फैन, बिग फैन। अरे कुलदीप भाई, अरे भाई तेरा ध्यान किधर है, तेरा फैन इधर है। ये बढ़िया था गुरु, तेरा ध्यान किधर है, तेरा फैन इधर है। दोस्तों यहाँ पर स्टंपिंग हो चुकी है और यहाँ पर आउट हो गए भैया। और यहाँ पर हो गए 6 विकेट, अब हम मैच देखकर स्टेडियम से बाहर आ गए हैं और अब इंडिया मैच यहां पर जीत गई है और इन्होंने बहुत मजे लिए। मैं वीडियो बताऊंगा कुलदीप यादव का, अभी देखना एक वीडियो वायरल होगा, ये वही बंदा है कुलदीप यादव को क्या बोलता है कि भाई तेरा ध्यान किधर है, तेरा सबसे बड़ा फैन तो इधर है। अभी तो है भाई टी शर्ट तो। फाइनली इस ब्लॉग पॉइंट करते हैं, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, स्टेडियम में काफी मजा आया।